सिविल सेवा में पुरुषों की तरह महिलाएं भी अब पीछे नहीं हैं। बहुत बार तो महिला अधिकारी अपने दबंग अंदाज और हटकर काम करने के अंदाज को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। ऐसी बहुत सी महिला सिविल सेवक है जिन पर देशवासियों को गर्व है। ये वंडर वुमन न सिर्फ अपने कामों को लेकर बल्कि अफसर बनने तक के अपने संघर्ष को लेकर भी लोगों का सम्मान पाती है। ऐसे ही तेलंगाना की एक महिला अफसर है जो जनता की अधिकारी कही जाती है। उनके काम करने का अंदाज थोड़ा हटके है। देश की सबसे युवा IAS अधिकारी का खिताब उनको हासिल है। महज 22 साल की उम्र में अफसर बनी स्मिता सभरवाल के संघर्ष और चुनौतियों के बारे में हम आपको बताते हैं। 19 जून 1977 को स्मिता पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुई। उनके पिता रिटायर्ड सेना अधिकारी कर्नल प्रणब दास हैं। उनकी माँ पूर्वी दास हैं। पिता के आर्मी में रहने की वजह से स्मिता अलग अलग शहरों में पली बढ़ी। पिता के रिटायरमेंट के बाद सभी हैदराबाद में सेटल हो गए। स्मिता की वहीं से स्कूलिंग हुई और 12वीं में स्मिता ISC टॉपर रहीं। इसके बाद उन्होंने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया। स्मिता के माता पिता ने ICSE स्टैंडर्ड को टॉप करने के बाद अपनी बेटी को सिविल सर्विस में जाने के लिए प्रोत्साहित किया। स्मिता ने जब सिविल सेवा की पढ़ाई शुरू की तो पहली बार में उन्हें असफलता मिली और वो प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर कर पाई थी। पर यहाँ उन्होंने हार नहीं मानी और फिर से कड़ी मेहनत के साथ कोशिश की। और वो दिन भी आया जब वो UPSC का पेपर पास करने वाली सबसे कम उम्र की स्टूडेंट बनी। साल 2000 में अपने दूसरे प्रयास में उन्होंने न केवल परीक्षा पास की बल्कि उन्होंने ऑल इंडिया 4th रैंक हासिल की। UPSC में टॉप करके माँ बाप का नाम भी रोशन किया। स्मिता ने पहले तेलंगाना केडर के IAS की ट्रेनिंग ली और नियुक्ति के बाद वो चित्तूर में सब कलेक्टर रहीं। वो कडप्पा रूरल डेवलपमेंट एजेंसी की प्रोजेक्ट डायरेक्टर, वारंगल की नगर निगम कमिश्नर और कुर्नूल की संयुक्त कलेक्टर भी रही हैं। अब तक के करियर में स्मिता की तैनाती तेलंगाना के वारंगल, विशाखापट्टनम, करीमनगर और चित्तूर में हुई है। स्मिता जहाँ जहाँ गई लोग आज भी उन्हें याद रखते हैं और उनकी छवि जनता की अधिकारी वाली बन गई है। आपको बता दें कि स्मिता ने अपने कार्यकाल के दौरान कई बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ संभाली हैं जिसके लिए लोगों ने उन्हें काफ़ी सराहा है। उन्हें तेलंगाना में किए गए कई सारे सुधारों के लिए जाना जाता है। उन्होंने तेलंगाना के लोगों की कई तरह से मदद की है और जनता पर केंद्रित कई सारी योजनाओं को पूरा किया है। यहाँ उन्होंने हेल्थ केयर सेक्टर में अम्मा लाना प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इस प्रोजेक्ट की सफलता के चलते स्मिता को प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंस अवार्ड भी दिया गया था। स्मिता के करीमनगर में बतौर DM तैनात रहने के दौरान ही करीमनगर को बेस्ट टाउन का अवार्ड भी मिल चुका है। 2001 बैच की IAS अफसर स्मिता तेलंगाना के मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात होने वाली पहली महिला IAS अधिकारी भी हैं। स्मिता ने IPS ऑफिसर डॉक्टर अकुन सबरवाल से शादी की है। उनके 2 बच्चे हैं, नानक और भविष्य। सोशल मीडिया पर स्मिता सबरवाल की काफ़ी चर्चा होती है। उनके काम करने के अंदाज और गरीबों की मदद के जुनून को सराहा जाता है। तेज तर्रार अधिकारी कही जाने वाली स्मिता के नाम पर एक विवाद भी रहा है। उन्होंने एक आपत्तिजनक कार्टून छापने पर आउटलुक मैगजीन को नोटिस भेज दिया था। दरअसल मैगजीन ने अपने कार्टून में स्मिता को रैंप वॉक करते हुए दिखाया है और तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव उनकी फ़ोटो खींच रहे हैं। कार्टून के साथ ये भी लिखा गया था कि स्मिता मीटिंग में ट्रेंडी साड़ी और कपड़े पहनकर आती हैं। उस समय स्मिता तेलंगाना के CM ऑफिस में बतौर एडिशनल सेक्रेटरी तैनात थी। इस कार्टून पर आपत्ति जताते हुए स्मिता ने आउटलुक को कानूनी नोटिस भेजकर जवाब मांगा था। नोटिस में लिखा था कि मैंने 14 साल के लंबे अरसे तक सेवा की है, इस लेख ने मुझे बहुत आहत किया। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।